सोनिया गांधी के कर्नाटक में कांग्रेस के प्रचार के लिए उतरने की क्या है वजह? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कर्नाटक में एक चुनावी रैली में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी के बयानों की जितनी चर्चा हुई उतनी ही बात उनके चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर हो रही है। दरअसल सोनिया गांधी कई साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरी। सोनिया गांधी हाल तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष थी, लेकिन वो बीते करीब एक दशक से अपनी जिम्मेदारी पार्टी के दूसरे नेताओं को सौंपती जा रही थी। इनमें सबसे अहम नाम है राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पार्टी नेता ही नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बता रहे हैं। कई विश्लेषक दावा करते हैं कि राहुल गांधी को इस जगह तक स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है सोनिया गांधी। 20 जनवरी 2013 राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने और उन्होंने जयपुर में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा, कल रात माँ मेरे कमरे में आई और रोने लगी। उन्होंने कहा कि सत्ता एक जहर है। जिस सत्ता को कई लोग चाहते हैं वो असल में एक जहर है। लेकिन बिरला ऑडिटोरियम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी के साल 2007 में कांग्रेस महासचिव बनने के बाद उनके कांग्रेस की अगुवाई करने की चर्चाएं होने लगी थी। कार्यकर्ता सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी की तरफ देखने लगे थे। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से सोनिया गांधी की राजनीतिक सक्रियता कम होने लगी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को चुनाव में सिर्फ 52 सीटें मिली। पार्टी के खराब प्रदर्शन ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए जुलाई 2019 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब सोनिया गांधी फिर से सामने आई और उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। साल 2020 से 2021 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद के बीच भी सोनिया गांधी ने जवाब दिया कि पार्टी की अध्यक्ष वो ही है और उनसे बात करने के लिए मीडिया के सहारे की जरूरत नहीं। सोनिया गांधी ने तब फिर से पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। फरवरी 2023 राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी की समाप्ति हो सकती है, ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस बयान के बाद उनके राजनीति से संन्यास लेने की चर्चाएं जोर शोर से होने लगी। लेकिन अब कर्नाटक चुनाव में शनिवार को सोनिया गांधी फिर से मंच पर नजर आई। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी, कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद मांगा और राज्य से पुराना संबंध भी याद दिलाया। उन्होंने हुबली में कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आज जो सत्ता में बैठे हैं डकैती करना ही उनका धंधा हो गया है। 2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। आप ही बताइए कि आप किस पर भरोसा करेंगे, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने वालों पर या सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों पर। सोनिया गांधी ने करीब 3.5 साल बाद किसी रैली को संबोधित किया है। कर्नाटक के पहले हुए तमाम चुनावों में स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी उन्होंने प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। सोनिया गांधी 1998 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उनके अध्यक्ष रहते केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन पार्टी की धुरी सोनिया गांधी ही बनी रही। लेकिन अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पार्टी के केंद्र में राहुल गांधी हैं। ये दोनों नेता कर्नाटक के चुनाव प्रचार में खासे सक्रिय भी हैं। कर्नाटक के चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी भी दमखम झोंकती दिखी हैं। ऐसे में पार्टी की सेंट्रल स्टेज से हटने का संकेत देने वाली सोनिया गांधी को प्रचार के आखिरी दिनों में मैदान में क्यों उतरना पड़ा, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है। इसे लेकर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, इसमें कांग्रेस की थोड़ी दुविधा नजर आती है। आप या तो सक्रिय हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। 2016 में जब सोनिया गांधी 70 साल की थी तब भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी, लेकिन राहुल गांधी के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही तो वो अलग नहीं हो पाए। लेकिन वो अब भी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का नेता चुनने का अधिकार संसदीय दल के नेता का होता है और ये भूमिका में सोनिया गांधी अब भी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में
नेता नियुक्त किया था। रशीद किदवई का कहना है कि सोनिया गांधी अपनी इच्छा सामने रखती है, वो चाहती है कि 70 के बाद सक्रिय राजनीति की किनारा करके उच्चा उदाहरण दे, लेकिन व्यावहारिक राजनीति की अड़चने हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी मानती हैं कि सोनिया गांधी की स्वीकार्यता के कारण ही आज भी उनकी जरूरत महसूस होती है। वो कहती है कि आज कांग्रेस के अंदर कोई सबसे स्वीकार्य नेता है तो वो सोनिया गांधी है। उसका कारण यह है कि उन्होंने तब 2004 में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया। तब से उनकी स्वीकार्यता देश में बढ़ गई। हमारा देश ऐसा है कि जब कोई त्याग करता है तो उसका सम्मान किया जाता है। नीरजा चौधरी के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और मौजूदा सदस्यता रद्द होने वाले प्रकरण के बाद खुद को स्थापित तो किया है, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को ठीक से भुना नहीं पाई। फिर सोनिया गांधी का कर्नाटक से पुराना रिश्ता भी रहा है। इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से और सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव जीती थी। नीरजा चौधरी के मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक से इस पुराने रिश्ते की भी याद दिलाना चाहती है। अक्सर देखा जाता है कि सोनिया गांधी चाहे पार्टी अध्यक्ष रही हो या नहीं, अहम मौके पर वो कांग्रेस की कमान संभालने सामने आती रही है। कर्नाटक चुनाव भी कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति माने जा रहे हैं। यहाँ सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी खुद बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में उनके जैसे लोकप्रिय नेता की बराबरी करना भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। रशीद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये कांग्रेस का सम्मान बढ़ाएगा और इसके आधार पर पार्टी 2024 लोकसभा की तैयारी कर पाएगी, वो अन्य विपक्षी दलों के साथ मेलभाव कर पाएगी। इसलिए सोनिया गांधी जोर लगा रही है क्योंकि यह गांधी परिवार की अपनी साख मसला भी है। जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के जीतने की संभावना के चलते कर्नाटक में गांधी परिवार को सामने लाया जा रहा है ताकि स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी नजर आए। राहुल गांधी का अध्यक्ष पद छोड़ना हो या कांग्रेस में G23 के नेताओं का विरोध हो, सोनिया गांधी हमेशा कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर आई है। नीरजा चौधरी कहती है कि वो मुश्किल समय में कांग्रेस को संभालती रही है, लेकिन अभी संकट की स्थिति नहीं है। ये कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन सोनिया का जो कद है वो कद दूसरे नेताओं को बनाने में वक्त लगेगा। वहीं बीजेपी का आरोप रहा है कि राहुल गांधी को अब भी राजनीतिक तौर पर स्थापित होने के लिए सोनिया गांधी की जरूरत पड़ती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, राहुल गांधी कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा? वो यूपी से सांसद थे और एक चुनाव हार गए तो केरल चले गए, उनके गारंटी कौन लेगा? सोनिया गांधी पिछले 20 साल से राहुल को खड़ा करने के लिए अकेले लड़ रही है, अब ऐसा व्यक्ति कर्नाटक के लोगों की गारंटी कैसे दे सकता है? रशीद किदवई का मानना है कि सोनिया गांधी की मौजूदगी का राहुल को फायदा और नुकसान दोनों हुआ है। वो कहते हैं कि माँ के रूप में सोनिया गांधी 100% राहुल गांधी के हक में है, लेकिन क्या वो राजनेता के तौर पर उनकी मदद कर सकी है? राहुल गांधी को सोनिया की कांग्रेस से हमेशा टकराव का रास्ता अपनाना पड़ा है। राहुल गांधी अपनी मर्जी से कांग्रेस को नहीं चला पाए, उनके राजनीतिक सफर में काफी अड़चने आई। सोनिया गांधी से राहुल गांधी तक कांग्रेस के पहुंचते पहुंचते कई नेताओं ने पार्टी का साथ तक छोड़ दिया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलामी अभी आजाद, कैप्टन अरमिंदर सिंह, सुनील झाकर, हार्दिक पटेल, आरपीएन सिंह और अश्विनी कुमार जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। लोगों पर सोनिया गांधी के प्रभाव को लेकर रशीद किदवई कहते हैं कि सोनिया गांधी को लोग एक कामयाब नेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन 2014 के बाद सोनिया गांधी को देखकर लगा कि वो विश्वस्तता के साथ चल रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है। हालांकि राहुल के मुकाबले लोग उनको राजनीति रूप से काफी सुलझा हुआ मानते हैं। वो कहते हैं कि चाहे प्रियंका गांधी का राजनीति में आना हो या सोनिया गांधी का समय समय पर नजर आना, बात यह है कि कांग्रेस इस समय बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में पूरा गांधी परिवार एकजुट हुआ है।